मैं चाहूंगा, बड़ी खुशी की बात है, हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी सांसद आजमगढ़, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती कि हमारे मंच पे आपके अपने सांसद, आपके अपना प्रतिनिधि जो आपके लिए लड़ाई लड़ने वाले, ऐसे एक सांसद एक नेता मिले हैं, जो खुशी की बात है। इनके लिए जोरदार तालियां बजा जा रही है दिनेश लाल जी के लिए। मैं चाहूंगा वो खुद ही इस चीज को अनाउंस करें। नमस्कार। स्पेशल अवार्ड डिप्यूटी डीजी केमिकल एंड पेट्रो केमिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री गंगा कुमार जी। गंगा कुमार जी के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत सारी हमने समस्याएं, कभी भोजपुरी इंडस्ट्री के उत्तर भारतीय समाज के लेके गया हूं, तो भैया आए प्लीज, सर आए। तो हमेशा मैं चाहूंगा कि भाभी जी भी प्लीज मंच पे आए, और वो हमेशा कहीं भी किसी भी समस्या का बात आती है भोजपुरी इंडस्ट्री का, हम कहे भैया यहाँ फोन करो, वहां फोन करो, तुरंत फोन करते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा सपोर्ट करते हैं, इसके लिए उनको स्पेशल सम्मान से सम्मानित करते हैं। ये अवार्ड मैं अपनी वाइफ आलिया जी को देना चाहूंगा। बिहार में वो बहुत बड़ी बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, 8 से 10 उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी बिहार में, बिहार सरकार के। सभी हमारे मित्र हैं, दिनेश जी से भी आज मुलाकात हुई, बहुत तमाम यहाँ पे बहुत सारे हमारे मित्र हैं, रजनीश जी हैं, बहुत सारे लोगों से आज हमारी गोस्वामी जी भी आज मिले, विनोद जी तो हमारे भाई ही हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग जो कभी मैं बिहार में था उस समय में गवर्नमेंट ऑफ बिहार में तो मुलाकात होती थी। ये अलग बात है, अभी भारत सरकार में हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। और विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम करें, 17 साल कोई एक चीज को लेके चली, यही से अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। 1 साल 2 साल तो बहुत लोग चला लेते हैं, लेकिन 17 साल चलाना खुद में ही एक महान उपलब्धि है। ये कितना अच्छा है कितना बुरा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि 1-2 दशक से ये काम कर रहे हैं आप सच में, और आपकी टीम बहुत पुण्य कार्य के लायक है। मुझे विनोद जी से जब मिला तो मैं इनफैक्ट जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया था दुर्गा सर से कि सर आप भी आए, तो उन्होंने भी ढेर सारी शुभकामना भेजी है और विनोद जी को बोले हैं कि आप अगली बार करें, थोड़ा समय रख के करें, तो यूपी के मुख्य सचिव और बिहार के मुख्य सचिव भी आएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और पावरफुल लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं जो अभिनेता से जुड़े हैं, राजनेता तक गए हैं, तो बहुत बहुत अच्छा। हमारी बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है, इन लोगों को याद ना हो क्योंकि बड़े लोग याद नहीं रखते, लेकिन हमारे घर पे हम एक बार बिहार सरकार में हमारे घर पे ब्रेकफास्ट हुआ था। और अभय जी थैंक यू, आप लोग अच्छा काम करें, मेरी तरफ से और मेरी वाइफ की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामना, आप सभी का भोजपुरी के प्रति प्यार बना रहे। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, दिल्ली जिमखाना क्लब में, बहुत सारे भोजपुरी पे, बजिका पे, मैथिली पे, अंगिका पे, जो हमारी उत्तर प्रदेश और बिहार की जो धरोहर है उसको आगे बढ़ाएं, और उसमें हम सभी आप सभी को फिर से उसमें इन्वाइट करेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय बिहार, जय।